अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, शॉर्ट हैंड के एक और लेक्चर में खुश आमदीद। आज हम शॉर्ट हैंड के पेज नंबर 18, 19, 20 और 21, 22 को डिस्कस करेंगे और उसमें रूल नंबर 15 को देखेंगे कि क्या होता है। रूल नंबर 15 में ये होता है कि जब आर एंड पे हो, एंड पे आवाज़ दे, तो उसको डाउन वर्ड लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये लाइन है, जैसे कार है, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ऐसे नीचे डाउनवर्ड कार। इस तरह फार, ठीक है। इसको ज़हन में रखना है, रूल नंबर 15, जब आर एंड पे आवाज़ दे, एंड पे वर्ड्स के एंड पे साउंड दे, तो उसको डाउनवर्ड लिख देना, ठीक है। उसके बाद इसी तरह और भी हैं, इसमें डोर है, ऐसे लिखना है। उसके बाद पुअर है, ऐसे लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है 15वें रूल में, जो नेक्स्ट चीज़ है, अगर एंड पे कम्बिनेशन आर वावल हो तो उसको अपवर्ड लिखना है। जिस तरह आर वावल, मिसाल देख लेते हैं इसकी, मतलब जब आर वावल हो, जिस तरह है कैरी, ठीक है, ये आर वावल है, इसको किस तरह लिखेंगे, कैरी, ये वो अपवर्ड जा रहा है। तो जब आर वावल के तौर पर इस्तेमाल हो तो उसको अपवर्ड लिखना है, ठीक है। इस तरह है मैरी, मैरी, ठीक है। इन चीज़ों को ज़हन में रखना। और उसके बाद डायरी है, इंजरी है, नैरो है, थरो है, वेरी है, टुमोरो है, ये सारे क्या हैं, ये सारे आर वावल्स हैं और अपवर्ड लिखे जाएंगे। इस 18 पेज पे ये 15 रूल्स था। और उसके बाद जो 19 पेज है उसमें शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जिस तरह यूर है, ईयर है, यूज़ है, लार्ज है, थैंक है, थैंक्ड है। उसके बाद नोट है, इन द फेज टू गो, टू गो को कैसे लिखना है, टू लगा के गो, ये क्या है, टू गो, ठीक है। इस चीज़ को मद्देनजर रखना है। और उसके बाद है पेज नंबर 20। अगर पेज नंबर 20 पे क्या है, अगर एम के साथ आर हो, जैसे रूम है, तो फिर भी डाउन वर्ड लिखना। ये क्या है, रूल नंबर 16। अगर एम से पहले आर आ जाए तो उसको डाउनवर्ड लिखना है, ऐसे डाउनवर्ड, ठीक है। जिस तरह रूम है, ठीक है, ऐसे लिखना है, ठीक है। इस चीज़ को मद्देनजर रखना। रूल नंबर 16 में क्या है, अगर एम से पहले आर आ जाए तो उसको डाउनवर्ड लिखना है, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ। इस चीज़ को मद्देनजर रखना है 20 पे। और उसके बाद अगर अपवर्ड आ जाए, जिस तरह वर्ड्स है, टी है, डी है, सी एच है, तो इसको अपवर्ड कर देना है, ऊपर की तरफ कर देना है, जैसे अर्ज है, अर्थ है, ठीक है। उसके बाद है अपवर्ड आफ्टर अ स्ट्रेट अपस्ट्रोक, जब रेयर आ जाए तो इसको डबल कर देना है, रोल नंबर 16 में क्या है, एक तो एम है, उसके बाद अपवर्ड बिफोर किससे पहले, टी है, डी है, सी एच है, इससे पहले अपवर्ड आ जाए तो अपवर्ड लिखना है, जैसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद अगर इकट्ठी दो आर की आवाज़ आ जाए, जैसे रेयर है, रेयर है, रोअर है, अवेयर है, तो इसको भी अपवर्ड लिखना है, ठीक है।
उसके बाद अगर बेटर ये होता है कि आप जैसे वर्ड हैं वैसे लिखें, अगर वैसे लिखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। जैसे